नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कन्हैया कुमार जो है बीजेपी के ऊपर हमेशा से हमलावर रहते हैं। अलग अलग अंदाज में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बीजेपी नेताओं को जो है यहाँ पर आड़े हाथों लेते हुए उनके खिलाफ तंज कसते हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर से यहाँ कन्हैया कुमार ने जो है अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया। और इस बयान के जरिए भी उन्होंने एक अनोखे अंदाज में पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। क्या कुछ कह रहे थे कन्हैया, सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असली चौकीदार हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिजॉल्व करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यह जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, या वैसे भी लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो सब भारत के लोग हैं। और उनके हकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बचाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करेगी। और यही जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और इस देश के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। कन्हैया का ये बयान जो है ऐसे समय पर आया है जब यहाँ पर कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को हरा करके आगे बढ़े। बहरहाल कन्हैया के इस बयान से चुनावी समीकरण पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।